अगर आपका भी YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड होने की वजह से, आपको बताइए एडसेंस जो है आपको तीन चांस देता है, आपको वेरिफिकेशन उसमें करना होता है। अगर तीन बार आप वेरिफिकेशन करते टाइम में फेल्ड हो जाते हो, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको दोबारा से ऑफ कर दिया जाता है, दोबारा से आपका मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है, आप उससे पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा है, आपके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ कर दिया गया है आपकी एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड होने की वजह से, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अगेन अपने YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको ऑन करा सकते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, तो यहाँ पर आप इसको फीडबैक कर सकते हो, ये आपको मेल करेंगे और आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आप उनको डॉक्यूमेंट पकड़ा करके मेल के थ्रू और वो आपका वेरिफिकेशन कर देंगे। लेकिन अगर आप फीडबैक भी कर रहे हो लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब ऐसे में तो भाई कभी भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पाएगी। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आप फीडबैक कर रहे हो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आपको इंस्टेंटली वेट नहीं करना और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो एडसेंस है ना, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि वो रिप्लाई तो कर नहीं रहे, जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे ये फिक्स नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये एडसेंस को आपको ऐसे ही छोड़ देना है और जिस नाम से ये एडसेंस अकाउंट बना हुआ था उस नाम से अब आपको दूसरा एडसेंस नहीं बनाना है, आपको एक नया एडसेंस बनाना है और एक नए नाम पे। आपकी फैमिली में और भी मेंबर होंगे तो उनके नाम से आपको एडसेंस अकाउंट बना लेना है। अब ये भी सोच रहे होंगे आप, एडसेंस हम बना लेंगे तो फिर पैसा भी उनके में ही जाएगा, पैसा आप अपने में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे मेरे में भेज देना, मेरा बैंक ऐड करके तो किसी के में भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए एक फ्रेश नई जीमेल बना लो एक नए मोबाइल नंबर पे, जिस मोबाइल नंबर को आपने इस एडसेंस में यूज़ किया था आपको वो मोबाइल नंबर से नहीं बनाना, दूसरे से बना लेना है। मोबाइल नंबर और जीमेल बनाने के बाद में अब आपको स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस एडसेंस को चेंज करने का, नए वाले एडसेंस पे इस चैनल को अटैच करने का। यहाँ पर आपको चेंज एसोसिएशन, इस पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड इस पर आपको क्लिक करना है, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करना है। अब आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको वो जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है, नई वाली जीमेल आईडी को जिस पर अब आप एडसेंस बनाने वाले हो, तो नई जीमेल आईडी को आपको सेलेक्ट करना है। अब आप लोग एडसेंस में आ चुके हो, आप लोग को यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में नीचे में आके यहाँ पर ये जो टर्म एंड कंडीशन है इस पर बॉक्स पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है नए बंदे के नाम से, जिसके भी नाम से आप लोग बना रहे हो, नाम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, सिटी वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल दो और उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा, रीडायरेक्ट ऑप्शन है, आप लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो आपको ये फिर से रीडायरेक्ट कर देगा उसी मोनेटाइजेशन वाले पेज पे। अब आप देखो आपका जो ये स्टेप टू है वो इन प्रोग्रेस में चला गया, वो अभी एरर जो आ रहा था वो हट गया क्योंकि आपने एडसेंस जो है वो चेंज कर दिया है, नया एडसेंस इससे जोड़ दिया है। अब वो लोग चेक करेंगे और आपका चैनल चेक करने के बाद में वो लोग मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है। अब आपको वेट कर लेना है, एक दो दिन में हो जाएगा वैसे तो, और इससे जल्दी भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका कैसा कंटेंट है आपके चैनल पे, अच्छा कंटेंट है तो जल्द से जल्द हो जाता है, तो अब हम लोग वेट करेंगे। तो अब देखो ये चैनल जो है ना वो ओनली 6 घंटे के अंदर में मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ, पहले क्या आ रहा था जब हमने इसे अप्लाई किया था, हमारा इन प्रोग्रेस में चल रहा था, अब देखो सीधा मोनेटाइज हो गया। वही मैं आपको बोल रहा था कि आपके चैनल पे कितना अच्छा कंटेंट है वही डिसाइड करता है कि आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में कितना टाइम लगेगा। अच्छा कंटेंट है तो इससे जल्दी भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो अब देखो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया और किसी भी वीडियो को हम लोग जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज ऑन कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट कर देंगे और ये हम लोग सबमिट कर देंगे, ओके और सबमिट। अब ये वीडियो हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एडसेंस अकाउंट, ये वाला जो एडसेंस अकाउंट है वो हमारे चैनल से लिंक है नए वाला। यहाँ पर आप इसका पब्लिशर आईडी देखो और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाके और इसका पब्लिशर आईडी देखो जो हमारे चैनल से लिंक है, ठीक है। तो ये वाला एडसेंस अकाउंट जो हमने नया वाला इससे ऐड किया था अभी,
तो ये हमारा चालू हो चुका है और हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। ठीक, अब ये वाला जो पुराना एडसेंस अकाउंट है जिसकी वजह से भाई इसने तो हमारे ऐड ही बंद कर दिए थे ये चैनल के, ठीक है, तो ये हमारा अब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो आप लोग पहले कर रहे थे ना कि आप लोग फीडबैक कर रहे थे वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो अब वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इससे तो आपका अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका चैनल इससे लिंक है, इस वाले एडसेंस अकाउंट से। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसको फीडबैक कर सकते हो कि भाई हम लोग जो है वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। अब वो लोग रिप्लाई करेंगे तो आप लोग उसको आईडी पकड़ा देना, तो ये वाला भी जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा और आप लोगों का ये एडसेंस अकाउंट अब ऐसा रहेगा एज ए बैकअप में। अगर आप लोग दूसरा चैनल खोलते हो तो उससे आप लोग इसको लिंक कर लेना, आपको जो है तुरंत मोनेटाइज मिल जाएगा। तो ये सीन है, इस एडसेंस अकाउंट का आप दूसरे से लिंक कर सकते हो कभी भी, अगर आप इन फ्यूचर कोई नया चैनल खोलते हो या फिर कोई वेबसाइट आपका, तो उसमें आपका ये काम आ जाएगा। बट अभी के लिए आपका जो मैं आपको बोल रहा था तुरंत आपका मोनेटाइज ऑन हो गया। तो ऐसे करके आप लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। आपका जो मोनेटाइजेशन है वो अब ऑन हो चुका है। और भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना एडसेंस से रिलेटेड, तो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट वगैरह चेक करना, एडसेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उसे इजीली जो है वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।